मणिपुर के उखरूल में आज मुख्यमंत्री उकराम इबोबी सिंह पर फायरिंग की गई। इबोबी इस हमले में बाल बाल बच गए हैं, हालांकि एक जवान घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सीएम इबोबी सिंह उखरूल में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर एयरफील्ड पर लैंड हुआ तो वहाँ कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। सीएम वहाँ करीब एक घंटे तक रुके रहे और इसके बाद उन्होंने वापस इम्फाल लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ने लगे तभी एयरफील्ड के पास गोलीबारी होने लगी जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। इस हमले के पीछे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के चरमपंथियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इबोबी सिंह अब वापस इम्फाल लौट चुके हैं, लेकिन पुलिस और असम राइफल्स उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने गोलियां चलाई। यहां आपको बता दें कि रविवार को भी उखरूल के ही जिलाधिकारी के आवासीय परिसर में एक हैंड ग्रेनेड पाया गया था। जिलाधिकारी के परिवार के एक सदस्य को ये हैंड ग्रेनेड दिखा था, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई थी। देखते रहिए टीवी लाइव।